सो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है प्रतीक तंवर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन चैप्टर का एक सब टॉपिक जिसका नाम है जेंडर। जेंडर के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये पुलिंग है या स्त्रीलिंग है, ये मस्क्यूलाइन है या फेमिनाइन है। आपको पता ही होगा जेंडर जो होते हैं वो या तो मस्क्यूलाइन होता है यानी पुलिंग होता है, या फेमिनाइन होता है स्त्रीलिंग, या फिर न्यूटर। न्यूटर का मतलब होता है नपुंसकलिंग, यानी जिसको आप मेल या फीमेल में डिफाइन नहीं कर सकते, राइट? जैसे कि कोई वस्तुएं, जैसे लैपटॉप है, बोतल है, तो ये मेल या फीमेल में थोड़ी ना आते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं न्यूटर। इसके अलावा एक होता है कॉमन जेंडर, जैसे टीचर, डॉक्टर, ये जो शब्द होते हैं इसमें कभी भी मेल या फीमेल अलग अलग नहीं होते, ये कॉमन जेंडर होते हैं। अब आगे बात करते हैं, एक एक करके एक लिस्ट आपके सामने आएगी और अलग अलग मस्क्यूलाइन और उनका फेमिनाइन मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे पहला वर्ड है एक्टर। एक्टर यानी अभिनेता, है ना, किसी फिल्म का एक्टर हो सकता है या किसी नाटक का एक्टर हो सकता है, और उसका फेमिनाइन होता है एक्ट्रेस। एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री, फिल्म या नाटक की हीरोइन। अगला शब्द है ऑथर, AUTHOR, ऑथर यानी लेखक, जैसे किसी पुस्तक का लेखक, ऑथर, AUTHOR। और अगर किसी बुक की कोई लेखिका है तो लेखिका के लिए शब्द आता है ऑथरेस, AUTHOREESS, ऑथरेस यानी लेखिका। नेक्स्ट वर्ड है बैचलर, BACHELOR, बैचलर यानी कुमारा। और कुमारी के लिए जो शब्द आता है वो है मेड, MAID। अब मेड का एक अर्थ नौकरानी भी होता है और मेड का एक अर्थ युवती या कुमारी भी होता है। कुमारी के लिए एक और शब्द भी फेमस है, बैचलरेट। जैसे बैचलर वैसे बैचलरेट, BACHELOREETTE, बैचलरेट यानी कुमारी और मेड यानी भी कुमारी। आज का नेक्स्ट वर्ड है बोवर, BOAR। बोवर का क्या अर्थ होता है? बोवर का अर्थ होता है जंगली सुअर। जंगली सुअर को हम इंग्लिश में बोवर कहते हैं। और यदि फीमेल हो तो उसके लिए वर्ड आता है सॉ, SOW, सॉ यानी जंगली सुअरी। नेक्स्ट वर्ड है ब्राइड ग्रूम, जिसे अकेला ग्रूम भी कहा जाता है। ब्राइड ग्रूम यानी दुल्हा, और ब्राइड यानी दुल्हन। नेक्स्ट है ब्रदर, ब्रदर यानी भाई, और सिस्टर यानी बहन। नेक्स्ट है बुल, बुल यानी बैल, और काउ यानी गाय। अगला शब्द है चेयरमैन, चेयरमैन यानी सभापति, जैसे किसी कमेटी का चेयरमैन। और यदि महिला है तो उसे कहते हैं चेयरपर्सन। याद रखें, चेयरमैन का चेयरवुमन नहीं होता है, चेयरपर्सन होता है, यानी महिला सभापति। अगला वर्ड है कॉक, COCK यानी मुर्गा, और उसका फीमेल होता है हैन, HEN, हैन यानी मुर्गी। नेक्स्ट है कोल्ट, COLT, कोल्ट का अर्थ होता है घोड़े का बच्चा। तो जो यंग हॉर्स होता है उसके लिए वर्ड आएगा कोल्ट, और इसका फेमिनाइन है फिली, FILLY, फिली यानी कि छोटी घोड़ी या घोड़े की बच्ची। नेक्स्ट वर्ड है कंडक्टर, CONDUCTOR यानी बस परिचालक। तो जिस तरीके से बस में एक ड्राइवर होता है वैसे ही एक कंडक्टर भी होता है, और अगर वो फीमेल हो तो उसके लिए वर्ड आता है कंडक्ट्रेस, CONDUCTREESS, कंडक्ट्रेस का अर्थ होगा बस परिचालिका। नेक्स्ट वर्ड है डॉग, डॉग यानी कुत्ता, और बिच, BITCH, बिच यानी कुतिया। अगला शब्द है ड्रेक,
DRAKE, ड्रेक यानी नर बतख। अगर मेल बतख है तो उसके लिए शब्द आएगा ड्रेक, और फीमेल मादा बतख के लिए शब्द आता है डक, DUCK, ड्रेक और डक। नेक्स्ट शब्द है ड्रोन, DRONE, ड्रोन का अर्थ होता है नर मधुमक्खी। ड्रोन आपने कैमरे वाला ड्रोन भी सुना होगा, राइट? या कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि उस देश ने हमारे यहाँ पे कोई ड्रोन भेजा है, यानी ऐसा एक छोटा सा जहाज जिसमें कोई इंसान नहीं है, कोई पायलट नहीं है, उसके लिए भी ड्रोन वर्ड आता है, और नर मधुमक्खी के लिए भी ड्रोन वर्ड आता है। और फीमेल जो है मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी, उसे हम कहते हैं बी, BEE। सम्राट के लिए अंग्रेजी शब्द है एम्परर, EMPERROR। और अगर सम्राज्ञी है, कोई महिला है जो कि राज करती है, तो उसके लिए वर्ड आएगा एम्प्रेस, EMPRESS। तो एम्परर का फीमेल क्या होता है? एम्प्रेस। अगला शब्द है फादर, फादर यानी पिता, और मदर यानी माँ। अगला है फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़। तो जो लोमड़ी का मेल होता है उसके लिए वर्ड आता है फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़। अगला शब्द है जेंडर, जेंडर यानी नर हंस। जो हंस और हंसिनी आपने सुने होंगे, तो जो हंस होता है वो जेंडर कहलाता है, GANDER, और जो हंसिनी होती है उसे गूज कहते हैं, GOOSE, गूज। अगला शब्द है जेंटलमैन, जेंटलमैन यानी सभ्य पुरुष। एक ऐसा व्यक्ति जो सभ्य है, बोलने में पोलाइट है, उसे जेंटलमैन कहा जाएगा, और लेडी यानी सभ्य महिला। अगला वर्ड है जाइंट, GIANT, जाइंट यानी राक्षस, और जाइंटस यानी राक्षसी, GIANTES, जाइंटस। गवर्नर यानी राज्यपाल, जो किसी स्टेट का राज्यपाल होता है उसे इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं, और यदि वो महिला हो, महिला राज्यपाल हो, तो उसे गवर्नेस कहा जाएगा। गॉट जो होता है बकरा, इसका मेल और फीमेल हम बनाते हैं ही गॉट और शी गॉट, बकरा यानी ही गॉट और बकरी यानी शी गॉट। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके लिए मेल और फीमेल के अलग अलग शब्द नहीं हैं, उनके आगे ही या शी लगा के ही उसको मेल या फीमेल में चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एयर, HEIR, इसमें एच साइलेंट है, इसको नहीं बोला जाता है। एयर का अर्थ होता है वारिस या उत्तराधिकारी, और अगर लड़की है वही एयरेस है, वारिसन है, तो वर्ड आएगा एयरेस, HEIRESS, एयरेस। नेक्स्ट वर्ड है हीरो यानी नायक, और हीरोइन यानी नायिका। अगला शब्द है हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा, और मेयर यानी घोड़ी, MARE। नेक्स्ट है होस्ट, HOST, होस्ट यानी मेजबान यानी स्वागतकर्ता, और हॉस्टेस यानी महिला मेजबान यानी स्वागत करने वाली। जिस तरीके से गेस्ट होते हैं मेहमान, वैसे ही होस्ट होते हैं मेजबान। हंटर, हंटर यानी शिकारी। तो जब इंसान जानवर का शिकार करता है तो हंटर कहलाता है, यदि कोई जानवर ही जानवर का शिकार करता है तो प्रीडेटर कहलाता है। तो यहाँ पे हम वर्ड सीख रहे हैं हंटर, और अगर कोई महिला शिकारी हो तो हंट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हस्बैंड, हस्बैंड का अर्थ होता है पति, और वाइफ यानी पत्नी। अगला है किंग, किंग यानी राजा, और क्वीन यानी रानी। नेक्स्ट है लायन, लायन यानी शेर, और लायनेस यानी शेरनी। लॉर्ड, लॉर्ड यानी मालिक, और लेडी यानी मालकिन। लवर यानी प्रेमी, और बिलव्ड यानी प्रेमिका। वैसे बिलव्ड हम प्यारे को भी बोलते हैं, तो यदि आप कभी ऐसा सुनते हैं माय बिलव्ड फादर, तो आप आश्चर्य मत करना,
क्योंकि बिलव्ड का अर्थ प्रेमिका भी होता है और बिलव्ड हम प्यारे को भी बोलते हैं। मैन यानी आदमी और वुमन यानी औरत, मैनेजर यानी प्रबंधक और मैनेजरेस यानी प्रबंधिका, मैन सर्वेंट यानी नौकर जो एक आदमी है और मेड सर्वेंट यानी नौकरानी। अगला शब्द है मास्टर यानी मालिक और मिस्ट्रेस यानी मालकिन। मरमैन यानी नर जलपरी, एक काल्पनिक कहानी के हिसाब से जलपरियां होती हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं, आधा इंसानी शरीर और आधा मछली का शरीर। तो यदि कोई नर है तो उसे मरमैन कहते हैं और अगर कोई लड़की है तो उसे जलपरी है तो उसे हम मरमेड कहेंगे। मिल्कमैन यानी ग्वाला, दूध वाला, और मिल्कमेड यानी ग्वालन। नेक्स्ट है मॉन्क। मॉन्क का अर्थ होता है सन्यासी और नन NUN नन का अर्थ है सन्यासन। नेफ्यू NEPHEW, नेफ्यू का अर्थ भतीजा भी होता है और भांजा भी होता है। और नीस NIECE नीस यानी भतीजी या भांजी। पिकॉक यानी मोर और पीहेन यानी मोरनी। पॉइट यानी कवि और पॉइटस यानी कवियत्री। अगला वर्ड है प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट यानी पुजारी और प्रीस्टस यानी पुजारन। प्रिंस यानी राजकुमार और प्रिंसेस यानी राजकुमारी। रैम RAM रैम यानी पहाड़ी नर भेड़, और यदि पहाड़ी मादा भेड़ है तो उसे यू कहा जाता है EWE। इसका उच्चारण मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, इसका सही उच्चारण होता है यू, पर काफी लोग इसे ईव बोलते हैं, पर आपको ध्यान रखना है EWE का सही उच्चारण है यू। अगला वर्ड है सेल्समैन यानी कोई सामान बेचने वाला, और अगर कोई बेचने वाली है तो सेल्स गर्ल कहलाएगी। तो सेल्समैन का फेमिनाइन सेल्स वुमन नहीं होता है, सेल्स गर्ल होता है। नेक्स्ट है शेपर्ड। शेपर्ड SHEPHERD शेपर्ड यानी बकरी चराने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला, और शेपर्डस यानी भेड़ बकरी चराने वाली। सर यानी महाशय और मैडम यानी महाशया। सन यानी बेटा और डॉटर यानी बेटी। स्टैग यानी हिरण और हाइंड यानी हिरणी। टाइगर यानी बाघ। टाइग्रेस, टाइग्रेस यानी बाघिन, टाइगर यानी बाघ और टाइग्रेस यानी बाघिन। अंकल यानी चाचा मामा ताऊ और आंट, आंट यानी चाची मामी ताई। नेक्स्ट वर्ड है वेटर, WAITER। वेटर यानी होटल में सेवक और वेट्रेस यानी होटल की सेविका। नेक्स्ट है वॉशरमैन, वॉशरमैन यानी धोबी और वॉशरवुमन यानी धोबिन। नेक्स्ट विडोवर यानी विधुर, ऐसा पति जिसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है विडोवर कहलाएगा और विधवा को विडो कहा जाता है। और लास्ट है विजार्ड यानी जादूगर और विच यानी जादूगरनी या डायन, दोनों के लिए इसका यूज होता है। आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।